नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पुलिस हैंड कॉन्स्टेबल पर लगा युवती से रेप का आरोप। जेल में अपने भांजे से मिलने गई थी पीड़िता। युवती को लिया आरोपी ने अपने झांसे में और नशीला पदार्थ पिलाने के बाद होटल में ले जाकर के किया रेप। अश्लील वीडियो भी बनाई। कैथल जेल में तैनात है आरोपी। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। हत्या के आरोप में जेल में बंद अपने भांजे से मिलने के लिए गई यमुनानगर निवासी 25 वर्षीय युवती ने हेड कांस्टेबल बलजीत द्वारा रेप करने का मामला सामने आया। आरोपी पुलिसकर्मी पर आरोप है कि उसने युवती को अपने झांसे में लेने के बाद होटल में ले जाकर के रेप किया और उसकी अश्लील वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी देते हुए कई बार उसका यौन शोषण भी किया। बलजीत कैथल जेल में तैनात है। पीड़ित युवती ने मामले की शिकायत यमुनानगर पुलिस को दी थी। यमुनानगर पुलिस ने शिकायत पर 0 FIR दर्ज कर कैथल में भेजी थी। कैथल पुलिस ने शिकायत मिलने पर कैथल महिला थाना पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल बलजीत के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया। वहीं युवती ने बताया कि उसका भांजा मर्डर केस में 2018 में जगाधरी जेल में बंद है। वह अपने भांजे से मिलने के लिए गई थी। कई बार परिवार के सदस्यों के साथ वह कई बार अकेले मिलने जाती थी। जेल में जब वह अपने भांजे से मिलने गई तो किसी बहाने से बलजीत धीमान भी जेल में गया हुआ था। वहां पर मुझे अपसेट देख करके बलजीत धीमान ने उससे बातचीत की और उसकी सहायता करने की बात करते हुए उसका नंबर ले लिया। आरोपी है कि वह एक दिन बलजीत ने पीड़ित युवती को फ़ोन करके कहा कि वह उससे बड़े अधिकारी से मिलवाएगा। इसी बहाने ने उसे होटल में बुला लिया और होटल सुनसान जगह में था, लेकिन वहां पर कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया और आरोपी ने उसे नशे का पदार्थ खिला दिया। नशा होने पर आरोपी ने उसे कमरे में ले जाकर के रेप किया। इतना ही नहीं, आरोपी उसे कई बार कुरुक्षेत्र बुलाता रहा और होटल में ले जाकर रेप भी करता रहा। उसके धमकाया भी गया। उसने ये भी धमकी दी कि आखिर में उसे गोली मार देगा। आरोपी शादीशुदा है और कि उसके बच्चे भी हैं। महिला पुलिस ने इस समय जांच शुरू कर दी है। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। महिला ने पुलिस कर्मचारी पर रेप के आरोप लगाए, क्या मामला है? वो उसमें हमारे पास यमुनानगर से 0 FIR होकर आई थी और वो हमने उसमें दर्ज कर ली। उसमें एक पुलिस कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। वो 0 FIR हमने अपने यहाँ दर्ज करके उसमें जांच शुरू कर रखी है। अभी लड़की की तरफ से कोई बयान वगैरह करवाएंगे? लड़की की तरफ से कॉन्टेक्ट किया गया है, जैसे बयान होंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी मतलब 164 जो बयान होते हैं वो हुए हैं? फिलहाल उसे कॉन्टेक्ट किया गया है।